राम लला की दिवाली। जी हाँ, राम लला की दिवाली। दीपावली पर इस साल रामनगरी को रोशन करेंगे 9 लाख दिए। दीयों को जलाने के लिए इस्तेमाल होगा 36,000 लीटर तेल, 12,000 स्वयंसेवक, 200 समन्वयक और 32 पर्यवेक्षक संभालेंगे दायित्व। 5वें दीपोत्सव पर कुल खर्च होगा 1.25 करोड़। रामनगरी में शायद ही कोई ऐसा माह हो जब व्रत और उत्सव न हो, पर अयोध्या के सांस्कृतिक सौंदर्य का वैभव देखना हो तो कार्तिक मास में एक बार अवश्य अयोध्या आइए। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवान राम की वनवास से वापसी हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने इस सांस्कृतिक विरासत को दीपोत्सव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कार्तिक मास में उत्सवों की शुरुआत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से धनतेरस के रूप में होती है। इसी दिन से अयोध्या के मंदिरों में दीपावली का उत्सव आरंभ होता है। चतुर्दशी को हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है, तो अगले दिन होने वाली दीपावली के दिन की बात ही निराली है। अमावस्या को प्रत्येक मंदिर में भगवान का विशेष पूजन होता है और हजारों लाखों दीपों से अयोध्या के घाट, मंदिर और घर आलोकित रहते हैं। इस बार 1 से 6 नवंबर तक 5वां दीपोत्सव मनाया जाएगा। यह न सिर्फ भव्यता का पर्याय होगा, बल्कि इस दीपोत्सव को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने की भी तैयारी है। 3 अक्टूबर को राम की पैड़ी पर 9 लाख दीपक जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं राम लला के दीपोत्सव की तैयारियों के बारे में। तीस हजार दियों से रोशन होगा राम जन्मभूमि परिसर। अब तक के सबसे भव्य दीपोत्सव में राम जन्मभूमि परिसर 30,000 दियों से आलोकित होगा। राम जन्मभूमि परिसर के साथ ही अयोध्या के 38 प्रमुख मंदिरों में करीब 1.5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। भगवान राम के अनुज भरत की तपस्थली भरत कुंड को भी 20,000 दीपों से रोशन किया जाएगा। पर्यटन विभाग मंदिरों को दिया बाती और तेल देगा। प्रमुख मंदिरों के साथ ही राम नगरी के प्रमुख मार्ग और 47 विद्यालय भी 1,000 दीपों की रोशनी से जगमग होंगे। इसके अलावा राम नगरी में करीब 3,63,000 दीपक और जलेंगे। कनक भवन, राम बल्लभा कुंज, बड़ा भक्तमाल, मणिराम दास जी की छावनी, दशरथ महल में 5,000 दीपक जलाए जाएंगे। दीपोत्सव में राम कथा आधारित चित्रकला प्रतियोगिता का भी राम कथा संग्रहालय में आयोजन किया जाएगा। राम कथा आधारित पेंटिंग भी बनाई जाएगी। इन चित्रों की यहां प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। रामायण कालीन बीज द्वार बढ़ाएंगे दीपोत्सव की भव्यता। रामायणकालीन बीज द्वार दीपोत्सव की आभा को 4 चांद लगाएंगे। द्वार निर्माण के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन द्वारों पर बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक के प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। दीपोत्सव में रामायणकालीन द्वार से अयोध्या को सजाने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को सौंपी गई है। पर्यटन विभाग की ओर से रामायणकालीन बीज द्वार बनाए जा रहे हैं जो लाइट युक्त होंगे। ये सभी द्वार रामायण के विभिन्न कांडों पर उनके प्रसंगों पर आधारित हैं। राम जन्म से लेकर राम राज्य अभिषेक तक के विभिन्न प्रसंगों को इन द्वारों के जरिए प्रदर्शित किया गया है। जब ये जलेंगे तो रामायण के प्रसंग इन बोर्डों पर इस तरह भव्यता बढ़ाएंगे मानो त्रेता युग जीवंत हो रहा हो। यह द्वार अयोध्या के राम घाट ओवरब्रिज के पास से लगने शुरू होकर दोनों कार्यक्रम स्थल राम की पौड़ी, सरयू घाट और रामकथा पार्क तक रहेंगे।
लाइट युक्त झालरों से प्रकाशमान होगा दीपोत्सव स्थल। अयोध्या के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी आरपी यादव के अनुसार दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी, राम कथा पार्क और सरयू घाट को नया लुक दिया गया है। राम कथा पार्क में राम राज्य अभिषेक समारोह के लिए विशाल मंच बना है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण व सीता सहित यहीं उतरते हैं। राम कथा पार्क पहुंचते ही त्रेतायुग जीवंत होता प्रतीत हो कुछ इसी तर्ज पर इसे बनाया गया है। सरयू पुल से लेकर गोंडा सीमा तक भव्य सजावट की गई है। सरयू पुल को न केवल फूल मालाओं से सजाया गया है बल्कि विशेष लाइटिंग भी की गई है। पूरा सरयू पुल गोंडा सीमा तक दूधिया रोशनी से प्रकाशमान हो इसके लिए राम की पैड़ी, राम कथा पार्क और सरयू घाट को भव्यतापूर्वक विभिन्न माध्यमों के जरिए सजाया गया है। लाइट युक्त झालरों के जरिए पूरे दीपोत्सव स्थल को प्रकाशमान किया गया है। दीपावली के दिन राम की पैड़ी की दीवारों पर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए राम कथा का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र होगा। इसमें 160 फीट तक लेजर शो होगा। 7,51,000 दीपक एक साथ जलेंगे। राम की पैड़ी में 32 घाटों पर इस बार 9,00,000 दीपक जलाए जाएंगे। इसमें रिकॉर्ड बनाने के लिए 7,51,000 दीपक को एक वक्त में जलाया जाएगा। इस भव्य आयोजन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल होंगे। वियतनाम और केन्या के राजदूत भी दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। घाट नंबर एक पर 741 स्वयंसेवक सबसे ज़्यादा 55,500 दीपक जलाएंगे। घाट नंबर 10 पर 718 स्वयंसेवी 53,800 दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसी तरह घाट संख्या 9 पर 698 स्वयंसेवक 52,350 दीपक, घाट नंबर 7 पर 677 स्वयंसेवक 52,000 दीपक, 21वें और 22वें घाट पर 5,000 दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या में 25 मार्गों और प्रमुख चौराहों पर 4,000 दीपक जलाए जाएंगे। 12,000 स्वयंसेवक, 200 समन्वयक और 32 पर्यवेक्षक मिलकर दीपोत्सव का दायित्व संभालेंगे। 900 कलाकार करेंगे अपनी कला का प्रदर्शन। पांचवें दिव्य दीपोत्सव में विभिन्न राज्यों के करीब 900 लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब आदि राज्यों के कलाकार लोक संस्कृति पर आधारित नृत्य पेश करेंगे। अवधि लोक नृत्य जयपुर का कालबेलिया नृत्य तो पंजाब का भांगड़ा नृत्य दीपोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। बांदा का पाई डंडा, मथुरा का बम रसिया, झांसी का राई नृत्य, सोनभद्र के मानल वादन के जरिए लोक संस्कृति की समृद्धि की झलक दिखेगी। आजमगढ़ और गाजीपुर के कलाकार धोबिया नृत्य की प्रस्तुति देंगे। ओडिशा के कलाकारों द्वारा शंख और मृदंगम की प्रस्तुति दी जाएगी। नोएडा का गुजरी नृत्य आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। हरियाणा के कलाकार हरियाणवी नृत्य तो झारखंड के कलाकार छऊ नृत्य की प्रस्तुति देंगे। श्रीलंका की रामलीला भी दीपोत्सव में होगी। श्रीलंका के 15 कलाकारों की टीम रामलला का मंचन करेगी। दीपोत्सव का आकर्षण होगा कोरिया पार्क। इस बार दीपोत्सव का आकर्षण कोरिया पार्क भी होगा। सरयू तट स्थित कोरिया पार्क भारत और कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों का साक्षी है। दीपोत्सव में इस पार्क का लोकार्पण भी होना है। भारत सरकार द्वारा 24 करोड़ की योजना से कोरिया पार्क का 2.5 एकड़ में विस्तारीकरण हो रहा है। कोरिया पार्क में भारत और कोरिया के स्थापत्य कला का भी नमूना देखा जा सकता है। दोनों देशों की संस्कृति पार्क में विभिन्न आयामों में आकर्षण का केंद्र है। अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना महारानी हाओ
की अयोध्या से कोरिया तक की समुद्री यात्रा के दृश्यांकन के लिए एक तालाब का निर्माण किया गया है। ही क्वील पवेलियन में महारानी हाउ की प्रतिमा और किंग पवेलियन में राजा सूरो की प्रतिमा स्थापित की गई है। कोरिया पार्क की दीवारों पर दोनों देशों की साझी विरासत को चित्रों के जरिए उकेरा गया है। हर बार टूट जाता है दीपोत्सव का अपना ही रिकॉर्ड। राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। उम्मीद है गर्भगृह अगले वर्ष दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाए। अगली दीपावली में रामलला का गर्भगृह भी अशंक दीपों से प्रकाशमान होगा। अभी तक की स्थिति तो ये है कि हर साल दीपों की संख्या के मामले में पिछला रिकॉर्ड टूट जाता है। पहले दीपोत्सव 2017 में 1,87,213 दीपक जले थे। 2018 में 3,01,152 दिए जलाए गए। 2019 में 4,04,026 दिए जलाए गए। ये दीपोत्सव गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ। कोरोना महामारी में भी दीपोत्सव की छटा कम नहीं हुई। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2020 में 6,06,569 दिए जले और इस बार के 9,00,000 के दीपोत्सव पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दीपों को अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले कुम्हारों के द्वारा बनाया गया है। देश के तमाम और हिस्सों से भी ये दिए आ रहे हैं। दियों को जलाने के लिए करीब 36,000 लीटर सरसों के तेल का प्रयोग होगा। तो इस बार भी दीपोत्सव के रिकॉर्ड को टूटने का इंतजार कीजिए और देखते रहिए विशेष शो राम मंदिर का निर्माण। शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।